हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण का अगला प्रकार, जो है संख्यावाचक विशेषण। पिछले वीडियो में हमने देखा था विशेषण के बारे में, प्राविशेषण के बारे में, विशेषण के प्रकार के बारे में और गुणवाचक विशेषण में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक, तो अगर संख्या के माध्यम से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, या ये कह सकते हैं अगर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को व्यक्त किया जाए तो उसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। डिफिनेशन क्या है? जिन शब्दों के द्वारा या जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, ऐसे शब्दों को कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दो तरह का होता है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित हो तो उसको कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अगर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित ना हो तो उसको कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अगर हम बात करें लड़का, लड़का क्या है? तो लड़का एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। आदमी क्या है? यह भी जातिवाचक संज्ञा है। और इस लड़के की विशेषता है कि उसकी संख्या कितनी है? 10 है। इसका मतलब यहाँ लड़कों की संख्या का बोध हो रहा है, तो यह कह सकते हैं कि संख्या के माध्यम से संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, लड़कों की संख्या बताई जा रही है। तो यहाँ जो 10 दिख रहा है यह संख्यावाचक विशेषण होगा, और आदमियों की जो संख्या है वह कितनी है? 20 है। तो यहाँ पर जो आदमी की संख्या 20 है, 20 क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो अगर संख्या के माध्यम से किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको बताया गया, अगर संख्या निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी तमाम प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला है पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, और पूर्ण संख्यावाचक विशेषण को ही गणनावाचक कहा जाता है। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण मतलब अगर संज्ञा सर्वनाम की संख्या पूरी हो, कंप्लीट हो, या कह सकते अंक पूर्ण हो, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्यावाचक विशेषण या गणनावाचक। जैसे यहाँ पर किताबों की जो संख्या दी है यह दी है 4, तो जो 4 किताब है, किताब क्या है? संख्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है? 4, और 4 है क्या? तो पूर्ण संख्या है, कह सकते हैं संख्या पूर्ण है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो, कौन सा विशेषण होगा? पहला तो इसमें क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, और चूंकि संख्यावाचक विशेषण में संख्या पूर्ण है तो पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। ऐसे दिया है 10 लड़के, लड़के की विशेषता कितनी है? 10 है। इसका मतलब यहाँ 10 जो है संख्या पूर्ण है, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण या गणनावाचक है। 20 आदमी, आदमियों की संख्या भी क्या पूर्ण है, तो इसको हम कहेंगे संख्या पूर्ण होने की वजह से पूर्ण संख्यावाचक विशेषण या गणनावाचक। ऐसे एक अन्य विशेषण है निश्चित संख्यावाचक का, अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अपूर्ण संख्या क्या है? जहां पर संख्या पूरी ना हो, कंप्लीट ना हो, उसको कहेंगे अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। जैसे रुपया अगर हम बात करें तो रुपया क्या है? एक प्रकार की संज्ञा, नाम है, संज्ञा है, और इस रुपया की संख्या कितनी है? तो 2.5 है। अगर 3 होता तो भी संख्या कंप्लीट होती, पूर्ण होता। अगर 2 होता तब भी संख्या पूर्ण होता, लेकिन यहाँ क्या दिया है? 2.5 दिया है, मतलब 2 और आधा, तो यहाँ पर 2.5 है, इसका मतलब संख्या पूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। ऐसे सेम है 3.5 रुपया, रुपया की विशेषता कितनी हो गई? 3.5, संख्या पूर्ण है, अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अगला इसी में है क्रमवाचक, क्रमवाचक, क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50वां, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो ये सब क्या? ये सब क्रम है। तो यहाँ पर क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो सकता है। ऐसे आवृत्तिवाचक, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब किसी बात को दोहराना ही आवृत्ति कहलाता है। तो यहाँ पर जो आवृत्तिवाचक है 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना,
50 गुना, 40 गुना, ये सब क्या है? ये सब संख्यावाचक है और निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन किस प्रकार की? तो ये है आवर्तीवाचक। ऐसे समुदाय, समुदाय को क्या कहा गया? समूह। समुदाय को समूह भी कहा जा सकता है। तो यहाँ समुदाय वाचक जो आपका निश्चित समुदाय वाचक है, इसमें दोनों, तीनों, चारों, पच्चीसों, पचासों, ये सब क्या है? तो ये समुदाय का बोध करा रहा है, वहाँ पर समूह का बोध करा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में समुदाय वाचक। ऐसे प्रत्येक वाचक, यह प्रत्येक वाचक भी होता है, जैसे प्रत्येक, हर एक, ये सब के सब क्या हैं? तो प्रत्येक वाचक हैं और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है सब के सब। ऐसे क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसको हम लोग देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। जैसे कि आपको भी बताया गया कि अगर संख्या संज्ञा सर्वनाम की निश्चित ना हो तो उसको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यहाँ पर इस पर अगर ध्यान दें तो आपको कुछ दिख रहा है और बच्चे दिख रहा है, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इसका मतलब जो बच्चे हैं नाम है, बच्चा क्या? संज्ञा है। बच्चे क्या? संज्ञा है। और इस बच्चे की विशेषता क्या है? कुछ। तो कुछ से क्या क्लियर हो पा रहा है कि कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, क्या बच्चों की संख्या निश्चित हो पा रही है? कुछ के माध्यम से नहीं हो पा रहा। कुछ में 10 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों को आप संख्या में ही गिनेंगे तो संख्यावाचक विशेषण होगा, चूँकि बच्चों को तो आप तौल नहीं सकते हैं कि परिमाणवाचक होगा, है ना। यानी कि बच्चों को आप संख्या में ही गिनेंगे और कुछ जो दर्शा रहा वो नहीं दर्शा पा रहा कि कितनी संख्या है। इसका मतलब यहाँ जो कुछ शब्द है यह बच्चों की विशेषता तो बता रहा, लेकिन यह किस प्रकार का विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसमें देखिए कुछ आदमी चले गए, अब जो आदमी हैं ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता कुछ के माध्यम से बताई जा रही है। कुछ आदमी, इसका मतलब आदमी को आप गिनेंगे तो संख्या में ही गिनेंगे और ये जो कुछ है ये नहीं दर्शा पा रहा कितनी संख्या हो सकती है। तो यहाँ भी कुछ क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कई बकरी खेत में हैं, अच्छा बकरी क्या होता है? तो बकरी भी एक प्रकार की संज्ञा है और इसकी विशेषता किसके माध्यम से? कई के माध्यम से बता रहे हैं, तो कई से क्या फिक्स हो पा रहा कितनी बकरियां हैं? नहीं, लेकिन बकरियों को आप संख्या में ही गिनेंगे, इसका मतलब कई जो शब्द है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ पक्षी उड़ गए, पक्षी भी क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं संज्ञा है और कुछ पक्षी उड़ गए तो कुछ पक्षियों की संख्या ही बताएगा, चूंकि पक्षियों को आपको गिन ही सकते हैं। इसका मतलब कुछ पक्षी उड़ गए तो ये पता नहीं चल पा रहा कि कितने पक्षी उड़े हैं, इसका मतलब संख्या निश्चित नहीं हो पा रही है। तो कुछ क्या हो जाएगा? यह भी एक प्रकार से हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अगर संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। इसका मतलब जिस विशेषण शब्दों से वस्तु की मात्रा का बोध हो या माप तौल का बोध हो, जैसे कि लीटर, मीटर, किलोग्राम का कोई भी मात्रक हो, तो वहाँ वह शब्द कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या बताया गया आपको? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो, और माप तौल किस में होता है? लीटर, मीटर, किलोग्राम के मात्रक में होता है, तो वहाँ होगा परिमाणवाचक विशेषण। इसका मतलब संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा दी गई होती होगी लीटर, मीटर, किलोग्राम के माध्यम से, तो उसको कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा गया किसे, अगर मात्रा निश्चित हो, संज्ञा सर्वनाम का माप तौल अगर निश्चित हो तो उसको कहा गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अगर संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा निश्चित ना हो, मात्रक ना निश्चित हो तो उसको कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हम देखेंगे 5 किलोग्राम चावल, अच्छा इसमें संख्या भी दिया गया है, 5 किलोग्राम चावल दिया गया है, तो यहाँ संख्या के साथ साथ है वो जो वस्तु होगी, संज्ञा होगी, इसका मात्रक भी दिया है, तो चावल जो है यह क्या है, चावल एक प्रकार की संज्ञा है, और इस संज्ञा का जो मात्रक है वो मात्रा है वो कितना है, 5 किलोग्राम, तो 5 बेशक दिया है लेकिन 5 के साथ साथ है इस संज्ञा की मात्रा भी दिया है, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण ना हो के परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्यों, क्योंकि मात्रा दिया किसका, तो संज्ञा का, और संज्ञा का मात्रा क्या है तो किलोग्राम में है, और संख्या यहाँ पर 5 है, 5 किलोग्राम चावल, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जरा इसमें देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या बताया गया, जिसमें संख्या या कह सकते हैं मात्रा निश्चित ना हो उसको कहा गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहां कुछ किलोग्राम चावल सेम चीज है, लेकिन यहां पर 5 किलोग्राम संख्या निश्चित हो गया, और यहाँ कुछ किलोग्राम, और कुछ किलोग्राम में भी 2 किलोग्राम हो जाए, 4 किलोग्राम हो जाए, मान लीजिए बारात को खिलाना है, अगर एक व्यक्ति को खाना है तो मे भी आपको पावना लगे चावल, और अगर एक बारात खिलाना है तो अगर वहाँ कुछ कहा जाएगा इसका मतलब वहाँ 10-20-50 किलो भी हो सकता है कुछ, है ना, और एक व्यक्ति को खिलाना तो एक पाव में ही कुछ सिमट जाएगा, इसका मतलब यहाँ चावल की जो मात्रक है, मात्रा है निश्चित नहीं है, तो अगर चावल की मात्रा निश्चित नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि मात्रा निश्चित नहीं है। 3 मीटर कपड़ा, आपकी बार क्या है, तो यहाँ किलोग्राम था, आपकी बार मीटर हो गया, 3 मीटर कपड़ा, कपड़ा क्या है तो संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता कितना है, तो 3 मीटर के माध्यम से, और 3 के साथ साथ क्या दिया गया है, मीटर दिया गया है, और 3 मीटर क्या है तो ये है परिमाण, है ना, किसकी है तो कपड़े की है, और परिमाण क्या है निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अच्छा कुछ मीटर कपड़ा, यहाँ पर भी कपड़ा है, कपड़ा क्या है संज्ञा है, लेकिन कुछ मीटर जो दिया है क्या निश्चित है, कितना मीटर चाहिए, नहीं निश्चित है कितना मीटर चाहिए, तो यहाँ पर निश्चित नहीं, इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर देखिए एक पसेरी आलू, आलू क्या है, आलू भी एक प्रकार की संज्ञा है, और एक पसेरी क्या होता है, 5 किलो को माप तौल के भाषा में एक पसेरी कहा जाता है, तो इसका मतलब एक पसेरी बराबर 5 किलो, इसका मतलब आलू की जो मात्रा वो क्या है निश्चित है, और अगर आलू की मात्रा निश्चित है तो ये क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और यहाँ सब दूध ले आना, सब दूध मतलब कितना हो सकता, क्या फिक्स है 1 लीटर सब दूध है, कि 2 लीटर है, कि 50 लीटर है, नहीं, संख्या जो मात्रा है दूध की ये निश्चित नहीं है सब दूध में, इसलिए सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्यों, चूंकि यह सब दूध की मात्रा का ही बोध करा रहा है, और दूध को आप मापेंगे किसमें, तो दूध को आप किलोग्राम में ही मापेंगे, है ना, या लीटर में माप लेंगे, तो यहाँ पर तब भी क्या होगा, मात्रक यहाँ पर निश्चित नहीं है कितना है, इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे कुछ लीटर पानी, पानी को आप क्या करेंगे, नापेंगे उसको, लीटर में ही तौलेंगे पानी को, तो यहाँ पर कुछ लीटर क्या, कितना लीटर पानी है, मात्रा निश्चित हो पा रहा, नहीं, अगर मात्रा निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अगर मात्रा निश्चित है, जैसे पानी की यहाँ विशेषता दिया गया है 5 लीटर, अब यहाँ पर क्या है, तो पानी की मात्रा निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि पानी को आप लीटर में ही नापेंगे, है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।